Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about errors in assessment. ये जो topic है IGNOU MPSC E022 assessment in counseling and guidance है. So इससे पहले हमने बहुत सारे topic cover कर लिए हैं. MPSC E023 के video uploaded है, आप जाकर देख सकते हैं और उसका link भी मैं description में दे दूँगी playlist का, आप उसको भी देख सकते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस. अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो आप मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करने का. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. सबसे पहला एरर है असेसमेंट में एनवायरनमेंट फैक्टर. जो एक्सट्रानियस फैक्टर्स होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं टेस्ट को, ठीक है, या फिर असेसमेंट को, जिससे कि उसकी जो रिलायबिलिटी है एंड वैलिडिटी है वो इफ़ेक्ट होती है. जैसे कि रूम टेम्परेचर, नॉइज इन द टेस्टिंग रूम, पुअर लाइटिंग, इनएक्यूरेट टाइमिंग, डैमेज टेस्ट इक्विपमेंट और इवन द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर मे एडवर्सली इफेक्ट एंड इंडिविजुअल्स टेस्ट परफॉर्मेंस. नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस ऑफ द काउंसलर. ठीक है, तो जो काउंसलर है उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो असेसमेंट की नॉलेज हो. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब इश्यूज इन असेसमेंट में डिस्कस किया था, कि नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, एंड उसी के साथ साथ जो मस्ट बी वेल इक्विप्ड विद द डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स. ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसको, काउंसलर को. ठीक है, अगर नहीं होती है तो ये प्रोवोक करता है असेसमेंट में एरर्स को. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्लाइंट सब्जेक्टिव स्टेट. स्टेटस किस तरीके का है उसका माइंड, जैसे कि कोई किसी क्लाइंट का आप असेसमेंट कर रहे हैं तो उसका मूड नहीं है टेस्ट देने का, फिर असेसमेंट देने का. ठीक है, तो मे बी हो सकता है कि वो जो उसकी परफॉर्मेंस हो वो इन्फ्लुएंस करे, ठीक है, असेसमेंट को, टेस्ट को. तो ये भी एक एरर होता है इन असेसमेंट. नेक्स्ट आते हैं एरर्स इन असेसमेंट में एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंस. जो क्लाइंट है उसकी कल्चर, एथनिक और लिंग्विस्टिक में हो सकता है काउंसलर के में डिफरेंसेस हो इन दोनों के. ठीक है, तो जो काउंसलर है, एज अ काउंसलर आपको अवेयर होना चाहिए कि क्लाइंट का जो कल्चर किस तरीके का है, उसके लिंग्विस्टिक किस तरीके की है, उसके एथनिक किस तरीके की, क्योंकि उसके जब कल्चर और बैकग्राउंड आप जानेंगे उसी के बेस पर आप उसका असेसमेंट कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये भी एक काउंसलिंग का क्या होता है, प्रोसेस होता है. ठीक है, अगर आप उसके कल्चर या लिंग्विस्टिक या एथनिक के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि आप उसके बिलीव्स, वैल्यूज़ और एटीट्यूड को नहीं जान पा रहे हैं. ठीक है, जो कि एक एरर क्रिएट करता है इन असेसमेंट. ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन. जब भी हम असेसमेंट करते हैं ना तो उसका एक प्रोसीजर होता है. ठीक है, उसी प्रोसीजर के को फॉलो करके जो काउंसलर हैं वो उसको स्कोरिंग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं. बट अगर एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है स्कोरिंग, तो वहाँ पे क्या होता है कि मे लीड टू एरर्स इन असेसमेंट. ठीक है, आई होप पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट आते हैं फैलिबिलिटी ऑफ द टेस्ट. फैलिबिलिटी मतलब कि मे बी हो सकता है कि जो टेस्ट, वैसे टेस्ट इसको, जो टेस्ट होता है, जो असेसमेंट हम यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, हम उस किसी अपने क्लाइंट को गाइडेंस करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, तो जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं मे बी हो सकता है कि वो भी एरर्स को लीड कर रहा हो. ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी क्लाइंट के, क्लाइंट है आपका, आप उसको जॉब सेटिस्फेक्शन को असेसमेंट करना है, मेज़र करना है. ठीक है, अब आप किसी भी टूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो टूल्स है वो उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन को रियली में क्या कर रहा है, मेज़र कर रहा है. ठीक है, वहाँ पर भी क्यों, आप क्या कर रहे हो उस असेसमेंट के बेस पर उसकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उसको प्रिडिक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन की जो परफॉर्मेंस होती है ना, ये
ये भी क्या होती है, एरर्स को लीड करती है एनालिसिस में, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट था, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो एज यूजुअल मैं जैसे कि सारी वीडियोस में कहती हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जैसा कि लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने का, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।